नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। गन्ने का रकबा और बेहतर रिकवरी के कारण देश में इस बार चीनी का उत्पादन बढ़ा है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में इस साल अब तक चीनी का 132.6 लाख टन रिकॉर्ड उत्पादन हो चुका है, जबकि अभी राज्य में पेराई चालू है। अतिरिक्त गन्ने की पेराई के लिए राज्य सरकार ने चीनी मिलों को सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है, ताकि बारिश शुरू होने के पहले खेतों में गन्ना उठाया जा सके। वहीं इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी कि इस्मा द्वारा जारी किए गए चीनी उत्पादन के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में चीनी मिलों ने 1 अक्टूबर 2021 से 30 अप्रैल 2022 के बीच 342.37 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। ये उत्पादन पिछले साल के 300.29 लाख टन उत्पादन के लगभग 42.08 लाख टन से अधिक है। हालांकि 30 अप्रैल 2021 को गन्ने की पेराई करने वाली 106 चीनी मिलों की तुलना में इस साल 30 अप्रैल 2022 को 217 चीनी मिले गन्ने की पेराई कर रही थी। देश में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में ही हुआ है। इस्मा के मुताबिक महाराष्ट्र में 30 अप्रैल 2022 तक चीनी का उत्पादन 132.06 लाख टन का था, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 105.63 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस साल उत्पादन पिछले साल की तुलना में लगभग 26.4 लाख टन से अधिक है। वहीं देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में उत्पादन चालू वित्तीय वर्ष में अब तक घटकर ये 98.9 लाख टन रह गया है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 1.05 करोड़ टन था। देश के तीसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कर्नाटक में इस साल अप्रैल तक उत्पादन बढ़कर 59 लाख टन रहा है, जो एक साल पहले इसी अवधि में 42.4 लाख टन रहा था। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।